आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है और घर थोड़ा बहुत मैसी हुआ हुआ है, थोड़ा बहुत समेट दिया है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें स्टार्ट है क्योंकि आज है फ्राइडे, तो सफाई के साथ साथ ना करने हैं मुझे कपड़े वगैरह भी। आयरन उमैर और ऐन को जाना है नमाज पढ़ने के लिए, तो बस इनके कपड़ों को जल्दी से आयरन कर देती हूँ, उसके साथ साथ घर की सफाई भी करनी है। फिलहाल सबसे पहले करते हैं कपड़ों को आयरन, उसके बाद ये तो क्लीन है इसको भी हल्का सा कर देते हैं। जारा बतुल मेरे काम बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हाँ सारे सॉक्स निकाल के बैठ गए हैं बाबा के और खोल भी दिए हैं। तो उमैर के कपड़े तो आयरन हो गए और साथ साथ अयान भी तैयार होकर आ गए हैं, बस उमैर बाकी है ना और फिर जाएंगे ये लोग नमाज पढ़ने के लिए। मामा का शहजादा यहाँ पर मैं रेडी हो चुका हूँ, आज के लिए मेरी पूरी तैयारी कंप्लीट है, वेट करना बाबा का, बाबा आ जाए फिर हम निकलेंगे। तो दोनों को भी रेडी कर दिया, शावर दे दिया और दोनों ने सेम ड्रेस पहने। चलो फातिमा आप भी नमाज की तैयारी करो और जरा को तुल कर देखो गेम खेल रही है, जरा हेलो कर दे हेलो। तो यहाँ पे ना लंगर के लिए मैं बना रही हूँ शरबत और दूध गर्म करके मैंने रखा है जो कि ठंडा ही नहीं होके दे रहा, वेट कर रही हूँ ये ठंडा हो जाए तो फिर इसके बाद सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छा सा शरबत रेडी करते हैं। तो थक गए आप यहाँ, मास्क तो पढ़ के ये लोग आ चुके हैं लेकिन अभी आयान गए थे बाहर वॉक के लिए और देखो आके कैसे लेट गए, सीधा सीधा बहुत ज़्यादा थक गए। अभी तो आपने शरबत भी बांटना है, वैसे शरबत ना इन लोग की फरमाइश पे ज़्यादा बन रहा है कि भाई इनको बांटना है कुछ ना कुछ, तो इसलिए मामा ने शरबत बना दिया। अभी अभी तो खैर दूध गर्म हो रहा है, जब बन जाएगा ना उसके बाद आप फिर बांटना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सुमैर ब्लॉग, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, एक्चुअली ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट किया हुआ है, फ्राइडे है आज और सबको यू नो जल्दी जल्दी सारे काम करे, मस्जिद भी भेजना था नमाज के लिए, तो यार जैसे तैसे ये लोग चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। मैंने भी अपने घर को पूरा क्लीन कर लिया और ज़ाहिर बतौर फातिमा को भी रेडी कर दिया, इसके अलावा आज 9 मुहर्रम भी है और लंगर के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने शरबत सोचा है कि शरबत बना लेते, कम हो या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी जितनी रेंज हो उस हिसाब से उनको लंगर करना चाहिए, जिसका जैसा दिल हो, ज़रूरी नहीं है बड़ी ही क्वांटिटी में आप करो, जितना आपकी हैसियत है जितना आपका दिल है आप बस उतना कर सकते हो। तो बस मैंने भी छोटू सा बना रही हूँ, बहुत कम क्वांटिटी है बट कोई नहीं, बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे, थोड़ा बांट कर आ जाएंगे और थोड़ा एक लंगर हो जाएगा हमारी तरफ से भी। तो यस शरबत बनाना है मुझे, तो दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, अब उसको ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली उसको वेट कर रही हूँ कि वो ठंडा हो जाए बट वो ठंडा होकर ही नहीं दे रहा, तो बस उसको रखा है मैंने थोड़ी देर में देखते और फिर करते हैं शरबत बनाने की तैयारी। तो फाइनली मैंने शरबत बना लिया, दूध तो ठंडा होकर ही नहीं दे रहा था, इतनी टाइम हो गया और टाइम भी ख़त्म हो रहा है, 5 बज चुके हैं और मैंने इसको बॉईल करके रखा हुआ है 2-2.5 बजे तक का, तभी भी बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा, तो अभी मैंने इसको ऐसे ही बना लिया, अब आयान इसको बांट कर आएंगे जल्दी से और मैं डालूंगी इस जग में, और मैं बांट देंगे बांट दूंगा। किस किस को देना है आपने, अपने फ्रेंड को देना है? मैं जग भर दिया है आयान के लिए। तो शरबत रेडी हो गया और अयान और फातिमा देखे कितने शौक से जा रहे हैं बांटने के लिए, और इसके बाद हमने पहना बुरखा और हम चले गए थे मामा के घर की तरफ, उन्होंने भी लंगर किया था, ये दाल रोटी का लंगर है, तो मामू लोग भी आए हुए थे तो सबने अच्छे से बैठकर ये खाया और ये हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको खाते इसी तरह है रोटी पर रख कर। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो चुका है, मॉर्निंग है अभी और इस वक्त आई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए और मैंने देखा कि आया हुआ है हलीम, क्योंकि आज 10 मुहर्रम भी है और हलीम की भी नियाज हुई है, मतलब कल रात में हलीम बना होगा, तो अभी फ़िलहाल हलीम आया हुआ है किचन में और अभी मैं तो नाश्ता हलीम से ही करने वाली हूँ क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है और पूरा साल इंतज़ार रहता है और इस हलीम की ना बात ही अलग होती है। तो एक पैकेट तो ये रहा और ये थोड़ा सा आयान ने निकाल भी लिया है क्योंकि आयान से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो यस आज का नाश्ता होगा हमारा हलीम से, जो नहीं खाएगा उसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे पराठे, पराठे तो बनना लाजमी है, जैसे वो मैं आयान ये लोग तो पराठे खाएंगे खाएंगे, तो यस जल्दी से नाश्ते को निपटाते हैं उसके बाद मिलते हैं। जया बतूल भी उठ गई, गुड मॉर्निंग तो कर दो, अस्सलाम वालेकुम तो कर दो जरा जल्दी से। वो सुबह हलीम खा लिया आपने? कब का खा लिया आयान से तो ना बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था और मुझे आके बताया मम्मा आज हलीम बन रहा है, आज हलीम बन रहा है। नाश्ता रेडी हो चुका है, सभी पराठे खा रहे थे तो मैंने अपने लिए भी पराठा ही बना लिया, सुबह जल्दी से करते हैं नाश्ता उसके बाद खाएंगे हलीम। सही है आयान, मेरे में लीमू यहाँ पे अब खा रहे हैं सब हलीम और उमैर तो नीमू के बिना हलीम नहीं खा पाते और मस्तियाँ करें आप लोग। अभी फिलहाल ज़ारा बतूल भी मज़े से हलीम, ज़ारा हलीम कैसा है? ये यमी
सबका बहुत फेवरेट है। यहाँ पे निकाला है मैंने अपने लिए, यहाँ मैंने निकाली अपना अबाया क्योंकि जाने लगे थोड़ा बाहर। जाया बतुल को भी रेडी कर दिया है और फातिमा और अयान तो रेडी थे ही, और मैं हमेशा की तरह मोबाइल में पहनती हूँ अबाया और फिर हम चलते हैं। लेट्स गो। मैंने पहन लिया है बुरखा, अब बस इन लोगों को उठाना है और सबसे स्पेशल मेरे को उठाना है, मोबाइल में लग जाते तो फिर निकलते ही नहीं है। चलो भाई मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब जिस जिसको मेरे साथ चलना है वो आ जाए, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। चलो एक एक करके सब निकल के तो आ रहे हैं, चलो लेट्स गो जरा। ये लड़की एक लम्हा भी नहीं छोड़ी ना। वो मामा पास आ जाओ, मामा के पास आ जाओ। मामा ने क्या हरकतें कर रही, मेरा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी आप, यहीं पे रहें, यहाँ पे सीधा होंगी। नहीं घर जाके ओपन करेंगे मामा। नो नो प्लीज, घर जाके ओपन करेंगे ना जी, घर पे जाके ओपन। बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के बैठे हैं, यहाँ से ये चीजें लेनी है इन लोगों को। अयान ने क्या लिया? मामा मैंने तिल का माल लिया है। मैंने ये लिया। चलो घर चल के दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पर और इन लोगों ने लिए कुछ चीजें। अयान ने ये ली है तलवार, फातिमा ने ये लिया जो कि चलाना आता नहीं है, और जय बतुल ने ये लिया है छोटू सा। सारी चीज़ों को देख के ना एकदम अपना बचपन याद आ जाता है कि तभी भी हम लोग ये सारी चीज़ें लेते थे, अब ये लोग ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो यस, ये बच्चों की छोटी सी खुशी रहती है कि मुहर्रम में ही मैंने ये ज़्यादातर ये चीज़ें देखी हैं कि होती हैं। तभी फिलहाल इन लोगों को दिला दिया है, अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। आपको चलाना आएगा इसे? देखो हाँ अच्छा यार, ना अभी ये ले लेते जरा, आपको अच्छा लगा? उमेर से देखते हैं चलता है नहीं चलता, अभी बाई बाई करके सब ट्राई कर रहे हैं। चलाओ जल्दी से, चल गया भाई चल गया। तो बस ये थी बच्चों की खुशी और एक एक करके सब इसको ट्राई कर रहे थे। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।